Morning students, here is the next chapter is chapter 3 computer virus. You all know the term of the virus of computer, and here's the deeply areas of computer virus. Let's see. Topic to be covered is computer virus, types of viruses, different forms of virus attack, modes of transmission of virus, virus symptoms, methods to prevent virus attack, antivirus software. Now, what is a computer virus? A program designed to gain unauthorized access to a computer. आपने देखा होगा कि आपके कंप्यूटर में एक तो चीज़ें वो होती हैं जो आप अपनी मर्जी से डालते हो, और कुछ अगर आपकी मर्जी के बिना आपके कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम एंटर हो जाए तो दिस इज़ अ वायरस। ये स्पेशली इसी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है क्योंकि वो अनऑथराइज्ड है। वो सिर्फ इसलिए डिज़ाइन किया जाता है कि आपके कंप्यूटर को हार्म करे, उसके डेटा को डिलीट किया जा सके, उसके डेटा को करप्ट किया जा सके। स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर थ्रू ईमेल अटैचमेंट्स, यानी कि पूरे कंप्यूटर से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। किसके थ्रू? ईमेल अटैचमेंट, यानी कि जब आप जीमेल खोलते हो उसमें मैसेजेस होते हैं, कोई भी बिना पढ़े कभी कदास कोई खोल देता है तो उसके अंदर वायरसेस होते हैं, और जस्ट आपने एक क्लिक किया तो आपके पूरे कंप्यूटर में वायरस ही वायरस हो जाता है। रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस, आपने कोई पेन ड्राइव लगाया, किसी की कोई इफेक्टेड पेन ड्राइव पहले से रही हो, उसमें वायरस होगा तो आपके कंप्यूटर में लगाया गया है विदाउट स्कैनिंग, तो वो क्या होगा, आपके कंप्यूटर में भी आएगा। अब वहाँ से आपने निकाला, किसी अनदर कंप्यूटर में लगाया तो वहाँ पर भी जाएगा। फाइल डाउनलोड्स, आपने कोई मलिशियस फाइल डाउनलोड कर ली है, डिफरेंट डिफरेंट अनऑथराइज साइट से फाइल आप डाउनलोड करे जा रहे हो तो उससे भी वायरस अटैक हो जाता है। मलिशियस स्क्रिप्ट्स, किसी भी जो अनऑथराइज साइट्स होती हैं उसके थ्रू मलिशियस स्क्रिप्ट्स कहलाती हैं वो, तो वहाँ से भी हो जाता है। हार्म ए कंप्यूटर सिस्टम बाय करप्टिंग इट्स डेटा एंड इज स्टीलिंग द सिस्टम रिसोर्सेज एंड कंट्रोल्स, यानी कि ये कंप्यूटर सिस्टम्स को हार्म कर देता है, डेटा को हार्म कर देता है, डेटा को चुरा लेता है और उसके कंट्रोल्स को खो देता है। टाइप्स ऑफ वायरसेस, कौन कौन से टाइप्स हैं? मैक्रो वायरस, हाइड्स इन फाइल्स सच एज वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड एक्सेस। मैक्रो वायरस क्या करता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल्स हैं उन सबको क्या कर देगा, हाइड कर देगा। डेटा उसका आपको मिलेगा ही नहीं, होंगी नेम से लेकिन डेटा नहीं मिलता। मेमोरी रेसिडेंट वायरस, इंस्टॉल इट्सेल्फ एज ए पार्ट ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हाइड्स इन रैम। ये क्या करता है, ये अपने आप से ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है और रैम में आपको दिखाई नहीं देगा, यानी कि जब कोई आप इंस्टॉल करते हो कोई भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम तो वो आपको दिखाई देता है कि हाँ इसका एक फोल्डर है। बट मेमोरी रेसिडेंट वायरस का क्या है कि इंस्टॉल तो हो जाता है बट रैम में आपको शो नहीं करता। फाइल इन्फेक्टर प्रोग्राम फाइल वायरस रिप्लेस द कंटेंट ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल्स विद जंक कंटेंट, यानी कि ये फाइल्स को रिप्लेस कर देता है जंक कंटेंट में, यानी कि आपका एक्चुअल डेटा जो हो जाएगा वो करप्ट हो जाएगा, उसकी जगह पर जंक कंटेंट आपका जगह ले लेगा। डायरेक्टरी वायरस इज लोकेटेड इन अ हार्ड डिस्क एंड इन्फेक्ट फाइल्स इन एक्सटेंशन .exe और .com। जो भी आपकी हार्ड डिस्क होती है या फाइल्स होती हैं वो इन्फेक्टेड हो जाती है इन फाइल्स के थ्रू, मोस्टली आपकी exe फाइल ज़्यादा आ जाती है। डायरेक्ट एक्शन फाइल्स इज लोकेटेड टू रूट डायरेक्टली टू द हार्ड डिस्क एंड अटैक द फाइल्स इन अ डायरेक्टरी। बूट इन्फेक्टर एंड बूट सेक्टर वायरस इन्फेक्ट्स द हार्ड डिस्क एंड एनी टाइप ऑफ बूटेबल मीडिया सच एज सीडी रोम्स एंड यूएसबी फ्लैश ड्राइव। ये जो वायरस होता है ये आपका आता है बूटेबल मीडिया, यानी कि बूटेबल मीडिया जो आपकी बूट करे, एंड सच एज सीडी रोम्स जो होती है स्टार्ट करने में थोड़ा समय लेती है, तो दिस इज़ अ बूटेबल मीडिया। यूएसबी है, फ्लैश ड्राइव है, तो जब आप इसे लगाते हो तो फर्स्टली ऑप्शंस आते हैं, तो दिस इज़ अ बूटेबल।
ये जब आप हार्ड डिस्क या और भी अदर कोई चीज़ लेते हो तो उसके साथ साथ चलती हैं। मल्टीपर्टाइल वायरस इन्फेक्टेड द इंटायर प्रोग्राम सिस्टम्स और ओनली ए फ्यू फाइल्स, यानी कि ये आपके कंप्यूटर सिस्टम की फाइल्स को इन्फेक्ट करती है और थोड़े टाइम के लिए जल्दी से आपकी फाइल्स के डेटा को डिलीट कर देगी। ईमेल वायरस इन्फेक्टेड एन ईमेल प्रोग्राम्स, यानी कि ईमेल के थ्रू ही आता है और ईमेल के ही प्रोग्राम्स को क्या कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा।